हमारे लो ना पहले सदस्यता ले लो, ये देखो जोरदार ताली बजाइए। सोच लीजिए कितना सौभाग्य की बात है, एक मुखिया है तो एक पैक्स अध्यक्ष ब्रिज यादव जी, ये बहुत दिनों बीजेपी में कोषाध्यक्ष रहे हैं, अब हमारे साथ हो गए, हमारा भी कोष हर हमेशा भरा हुआ रहेगा। और बहुत से साथी हैं, उनका लिस्ट है। अरे भाई कहां महागठबंधन में मतभेद है, कहां महागठबंधन में कोई विभेद है, महागठबंधन में लालू आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी दोनों एक हैं, और दोनों एक हैं, और महागठबंधन के बीच ही चुनाव होगा, और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग आंधे मुंह गिरेंगे बिहार में, और आपका आशीर्वाद और समर्थन रहेगा तो फिर 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जी की विदाई बिहार से ही तय हो जाएगी, बिहार से तय हो जाएगी। इसलिए साथियों हम तो जोड़ घटाव करके बता देते हैं, पूरे देश की मीडिया ने कभी चलाया 3 दिन तक, किस देश की सुरक्षा में चूक हुआ, इस देश की संसद में सुरक्षा में चूक हुआ, कोई मीडिया नहीं चलाया, एक दिन खबर चप चलाया उसके बाद शांत हो गया, इसलिए कि वहां से आ गया खबरदार आप नहीं चलाओगे, ओए चलाओगे तो भीतर कर देंगे, सीबीआई ईडी भेज देंगे, हो गया बंद हो गया, कोई नहीं चलाया। लेकिन ललन सिंह त्यागपत्र देंगे ये 7 दिन तक चलता रहा, यही है मीडिया, अभी देख लीजिए कौन मीडिया है। अरे भाई ललन सिंह त्यागपत्र देंगे इस पार्टी का, जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी का मुखिया कौन है, उस पार्टी का नेता कौन है, हमारे भी नेता कौन है, हमारे नेता है नीतीश कुमार, तो हम अपना पद छोड़ के नीतीश कुमार जी को अपना पद सुपुर्द कर दिए, इसमें कौन खबर है भाई, कौन खबर है, तो उसको चलाना क्या था, इसमें भारी मतभेद चल रहा है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में भारी मतभेद है, ललन जी जाना चाहते हैं तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, और इसलिए ललन सिंह को हटा दिया गया। कहा के लिए ललन सिंह को हटा दिया गया, नीतीश कुमार जी तो अंतिम समय तक तैयार नहीं थे कि हम ये पद छोड़े, लेकिन मैंने कहा कि हम सांसद हैं और सांसद के रूप में हमारा क्षेत्र के प्रति भी दायित्व, हम क्षेत्र में ज्यादा घूम पा रहे हैं और ना पार्टी के प्रति हम पूरा समय दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमको उससे पद से मुक्त कर दी, और मेरे बहुत प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार जी इस बात के लिए सहमत हुए कि ठीक है आपको अगर नहीं रहना है, आपका मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन तब हम बनेंगे, खुद बनेंगे। मैंने उनका प्रस्ताव किया तो इसमें खबर कौन सी है भाई, नीतीश कुमार जी भाजपा में काला जाएंगे, भाजपा में जी नीतीश कुमार जी, भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया है नीतीश कुमार जी को पूरी राजनीतिक जीवन में, और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया, आखिर जाएंगे हम, लेकिन उनको देना है, चलाना है, भारत जनता में भ्रम फैलता रहे, जितना भ्रम काम नहीं किए हैं तो काम के बारे में क्या बोलेंगे, हम अगर काम किए हैं तो हम हमारी बात छोड़ दीजिए, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमने क्या काम किया, लेकिन आप बोलते हैं, इस क्षेत्र की जनता बोलती है कि आपने काम किया, आप विकास किए हैं, आप रोड बनवाते हैं, आप सड़क बनवाते हैं, आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, आप बिजली लगवाते हैं, ट्रांस